कस्टमर सोर्स फाइल वी ऑल्सो रजिस्टर अ हैंडलर, यानी कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट हमें देना होगा जो हम इसके लिस्टनर को इम्प्लीमेंट करके बनाएंगे, विच एक्सटेंड्स द डिफॉल्ट हैंडलर क्लास. ये वो क्लास है एडेप्टर क्लास. द डिफॉल्ट हैंडलर क्लास प्रोवाइड्स अ डिफरेंट कॉल बैक मेथड, कॉल बैक आउट ऑफ विच वी शुड बी इंटरेस्टेड इन, जैसे स्टार्ट एलिमेंट, एंड एलिमेंट. ये स्टार्ट होने पर, एंड होने पर, ये बॉडी को रीड करने पर उसका डेटा अगर चाहिए तो ये वाला मेथड. नाउ तो जावा SX parser provide API to parse XML documents. SX parser are different from DOM parser because it does not load complete document from MV and read documents. And SX के नाम the actual parsing is done by the handler class. We need to create our own handler class to parse the XML document. We need to implement the content handler. ये है वो interface. To create our own handler class. This interface contains callback method that receives notification when an event occurs. For example, start document, end document, start element, end element, and character data. फिर इसको implement करने वाली है class दे दी गई बेटा. Now default handler ये रही हमारे पास package के अंदर, provides a default implementation of content handler interface. And we can extend this class to create our handler class. It is advisable to extend this class because we might need only few of method to implement. और ये रहे वो सारे में. Start character comment process करेगा, process instructions, end element and end document. बिल्कुल custom की तरह का. वहाँ पे भी हमें कुछ life cycle के method दिए गए थे, हम override करते थे और वो हमारे method चलाता चला जाता. चलिए जरा इसे copy कर लीजिए जल्दी से. अभी क्लोज कर दो, हो गया सबका? नो सर. लीजिए साहब, ये बनाई हमने डीटीडी फाइल. ये रहा रूट टैग स्टूडेंट्स, उसके अंदर एक चाइल्ड स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट का आईडी, नेम, एनसी, तीन चाइल्ड, फिर स्टूडेंट का ये एक एट्रीब्यूट बनाया किस नाम से, कोर्स, उसके अंदर तीन में से कोई एक वैल्यू, और दे दिया रिक्वायर्ड, ये आईडी देना मैंडेटरी है, ये एट्रीब्यूट देना, फिर आईडी पीसी डेटा, नेम पीसी डेटा, एनसी. ये रहा रूट, ये पहला स्टूडेंट कोर्स, ये रहा आईडी नेम फी, दूसरा स्टूडेंट कोर्स, ये रहा आईडी नेम फी, ये रहा सर. लास्ट में क्या करेंगे, सारे मेथड ओवरराइड करेंगे और अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट एसएक्स पार्सर को दे देंगे. मेन में आया जैसे वहां की डॉक्यूमेंट बिल्डर फैक्ट्री, यहाँ एसएक्स पार्सर फैक्ट्री, उसका भी स्टैटिक मेथड, इसका भी स्टैटिक मेथड, और ये मिल गया हमें इसी क्लास का ऑब्जेक्ट. और फिर एसएक्स फैक्ट्री का मेथड है न्यू पार्सर, एसएक्स पार्सर, जिससे ऑब्जेक्ट मिला हमें एसएक्स पार्सर का, वहां मिलता था डॉक्यूमेंट बिल्डर का, और एसएक्स पार्सर का मेथड है पार्स. ये रहा हमारा फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में XML, वो भी फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट में देता था, और ये हमने अपनी क्लास करा दिया रजिस्ट्रेशन. अब मेथड ओवर सारे नहीं करूंगा फिलहाल. स्टार्ट डॉक्यूमेंट, जैसे वो डॉक्यूमेंट को रीड करना शुरू करता है ये मेथड चलाएगा, जब पूरा डॉक्यूमेंट रीड हो जाएगा तो ये मेथड चलाएगा. उसके बाद स्टार्ट एलिमेंट, जब वो किसी भी टैग का एलिमेंट रीड करेगा तो ये वाला मेथड चलाएगा, ठीक है साहब, और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पास करेगा, और टैग का जो नाम पड़ा होता है वो इसमें आता है.
तो Q इज एन एलिमेंट सबके लिए चलाएगा। उसके बाद अगर आपने उसके एट्रीब्यूट गेट करने हैं तो एट्रीब्यूट नाम का यहाँ पे देखो हमें एट्रीब्यूट क्लास का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, गेट लेंथ जितने भी उसके एट्रीब्यूट होंगे वो यहाँ तक आ जाएंगे, फिर जीरो से लेके लेंथ तक का लूप चला दिया, फिर एट्रीब्यूट क्लास का मेथड है गेट क्यू नेम और ये पहले एट्रीब्यूट का नाम, फिर गेट वैल्यू और ये पहले एट्रीब्यूट की वैल्यू, एक है तो एक दो है तो, और जिसका नहीं होगा वो लेंथ में जीरो दे देगा तो लूप चलेगा। तो सबसे पहले पता है क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा स्टूडेंट्स एन एलिमेंट, इसको रीड करेगा, उसके बाद स्टूडेंट को रीड करेगा, फिर उसका एट्रीब्यूट, फिर आईडी को रीड करेगा, इसका कोई एट्रीब्यूट नहीं होगा, नेम को और इसकी वैल्यू के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है कैरेक्टर वाला। ठीक, ये वाला मेथड जब जब वो वैल्यू को रीड करेगा ये वाला, तो पहला आएगा स्टूडेंट्स एन एलिमेंट, फिर आएगा स्टूडेंट एन एलिमेंट, फिर उसका एट्रीब्यूट, फिर आएगा आईडी इज एन एलिमेंट, फिर उसका डेटा, फिर आएगा नेम इज एन एलिमेंट, फिर उसका डेटा, फिर फी इज एन एलिमेंट, फिर अगेन स्टूडेंट आएगा, ऐसे आउटपुट आने वाली है हमारा। नाउ सी, पूरा जो डेटा होगा वो कैरेक्टर टाइप के एरे में, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन उसकी एंडिंग पोजीशन तीनों मिल जाएंगी हमें, तो हमने सीधा स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट में पास कर दिया, एरे जीरो से लेके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जितने वो आ गए और एक स्ट्रिंग मिल जाएगी और वो स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक, तो ये एक एक करके रीड करता जाएगा और हमें डेटा देता चला जाएगा। अगर चलाएं इसे, सबसे पहले डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करना शुरू किया, फिर स्टूडेंट्स रूट, फिर स्टूडेंट, फिर उसका एट्रीब्यूट, फिर ये उसकी उसका एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू, फिर आईडी, फिर नेम, फिर वैल्यू और लास्ट में डॉक्यूमेंट पासेस। तो इस तरीके से ये लाइन बाय लाइन रीड करता चला जाता है, जबकि डॉम सारा का सारा एक साथ मेमोरी में ले आता है। चलो निपटा इसको, फिर इसमें भी और बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं। Yes, sir. अब जरा हम एक काम करेंगे, ये हमने बनाई है आपकी एक एम्प्लॉय क्लास, एक्सेस एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे एंड वाइस वर्सा, और ये इन सबके गेटर एंड सेटर और ये पोस्टिंग को हमने ओवरराइड कर दिया। ठीक है जी, ये रही XML, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का आईडी, एज, नेम, दूसरा एम्प्लॉय एंड तीसरा एम्प्लॉय, और इतने एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट बना के डेटा यहां से उठा के उसमें हम कॉपी करने वाले हैं। ये हमारी क्लास मेन एसएच फैक्ट्री
न्यू पास सर, और ये हमारी हैंडलर क्लास इस बार हमने अलग से बना दी, सेम नहीं बनाया, और फिर इसका पार्स मेथड चला दिया, ये दे दिया एक्सएमएल और ये दे दिया हैंडलर क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये अपने आप फिर हमने देखो जो हैंडलर क्लास है इम्प्लॉय क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना के एक एरे लिस्ट में डाल देगा। फिर हैंडलर का मेथड है गेट ईएमपी लिस्ट, सारी एरे लिस्ट आ गई, एक एक करके एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट निकालते गए और प्रिंट करा देगा। सारा कोड किसमें लिखा हुआ है बेटे, इस हैंडलर क्लास के अंदर, जिसका काम है एक्सएमएल से डेटा रीड करना और उसे ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट। ये रही माई हैंडलर, डिफॉल्ट हैंडलर। अब इसके अंदर एक तो एरे लिस्ट ले लिया, लिस्ट टाइप का वेरिएबल ले लिया, और एक एम्प्लॉय क्लास का वेरिएबल भी डिफाइन किया। गेट एम्प्टी लिस्ट से ये एरे लिस्ट रिटर्न करा दी जो हम वहां यूज कर रहे हैं। कुछ बुलियन वेरिएबल लिए, एज, नेम, जेंडर, रोल के लिए। पहला मेथड स्टार्ट है, स्टार्ट एलिमेंट में हम चेक करते हैं एलिमेंट का नाम आता है क्यों नहीं, मैं यहाँ पे हमने चेक किया क्या ये एम्प्लॉय है, अगर ये एम्प्लॉय है तो पहला एम्प्लॉय एनकाउंटर हो गया, फिर हमने उसका एट्रीब्यूट आईडी निकाल दिया, आगे आईडी, फिर बना दिया यहाँ एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब जब नया एम्प्लॉय आएगा एक नया एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, आईडी भी उसके अंदर सेट कर दिया पास इंट करके। और फिर अब हमने शुरू में चेक किया क्या ईएमपी लिस्ट नल है, पहली बार में नल होगी, और एरे लिस्ट भी क्रिएट कर, ये तो लगाया हमने इफ, अगर वो एम्प्लॉय है तो नया एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसको रीड कर लेते और आईडी सेट कर देते। लेकिन अगर वो, क्योंकि ये मेथड तो सबके लिए चलेगा, एम्प्लॉय के लिए भी चलेगा, उसके बाद अगर हम अपनी एक्सएमएल की बात करें तो अभी तो एम्प्लॉय के लिए भी चलेगा, इसके लिए भी चलेगा, इसके लिए हमने कुछ नहीं किया, इसके लिए भी चलेगा, इसके लिए भी चलेगा, इसके लिए भी चलेगा, सबके लिए मेथड चलेगा स्टार्ट एलिमेंट में। अगर वो चला है क्यू नेम में, नेम है, तो हमने क्या किया, हमने एक बोली बी नेम के सामने जिसके लिए भी चला उसमें टू आ जाएगा, बाकी समय फॉल्स ऊपर देख सकते हैं, बाकी समय फॉल्स, ठीक है। अब जिसके लिए भी चला, अब ये एंड एलिमेंट आ गया, एंड एलिमेंट अगर एम्प्लॉय है क्योंकि क्यू नेम में नाम मिलेगा, तो फिर हमारा एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका होगा और उसको हमने इसके अंदर एड कर दिया, बन चुका, उसमें डेटा सेट हो गया, और डेटा सेट किसमें करेंगे, इसके अंदर हम करेक्टर वाले मेथड ना, एंड एलिमेंट जब चलेगा किसी भी, और वो अगर एलिमेंट एम्प्लॉय का है तो फिर हमने वो एम्प्लॉय अपनी एरे लिस्ट में एड कर दिया, ठीक है ना। अब करेक्टर, अब ये करेक्टर अगर चला है एज के लिए, इसका मतलब ऊपर से स्टार्ट एलिमेंट भी एज का ही चला होगा, है ना, तो सबसे पहले ये किसके लिए चलेगा, एज के लिए चलेगा, और अगर ये एज के लिए चलेगा तो यहां वाला मेथड जो है, ठीक, पहले तो ये एज के लिए चलेगा एम्प्लॉय के लिए, फिर दोबारा जब ये स्टार्ट एलिमेंट चलेगा तो ये चलेगा एज के लिए, और एज में टू आ चुका होगा, और एज में टू आ गया तो कंडीशन आ जाएगी, तो एम्प्लॉय का हमने सेट एज मेथड कॉल किया, आप देख सकते हैं यहां से वो स्ट्रिंग में बदला सारा डेटा एज का, उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और वापस एज में सेट कर दिया, एज में वापस फॉल्स कर दिया। फिर अगर वो चला है नेम के लिए तो नेम का डेटा एज एम्प्लॉय में सेट कर दिया, रोल के लिए, रोल के लिए, एक एक के लिए सब बार बार फॉल्स होता जाएगा, फिर जब दूसरा एम्प्लॉय आएगा फिर उसके साथ भी एक आनी होगी, तीसरा एम्प्लॉय आएगा उसके साथ भी एक आनी होगी, इस तरीके से हमारे एक एक करके एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे और डेटा उसमें सेट होता चला। चलिए जरा इसे चला के देखें,
Thank you.